एसबी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम आपके लिए लेकर आए हैं कमोडिटीज लाइव, एक ऐसा शो जहां कमोडिटी बाजार से जुड़ी हर खबर, हर स्ट्रैटेजी रखते हैं हम आपके सामने। सबसे पहले आज के जो मेहमान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती शो में शामिल हो चुकी हैं, साथ ही हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और कुछ ही देर में एमिरेट्स एनबीटी के धर्मेश भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आज कारोबारियों के लिए क्या सलाह होगी? आज जिस तरह का मूवमेंट, ट्रेड मूवमेंट दिख रहा है, क्या रिकमेंडेशन है? नेहा, यहाँ पे एक पॉज है डॉलर इंडेक्स में और इसकी वजह से हम लोगों ने एक बाउंस आता हुआ देखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजर अभी एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो 60 कह सकते हैं यहाँ पे कि एक बार 61,500 के करीब अगर आ जाए तो टेक्निकल इस लेवल को फॉलो करना होगा, वहां पे एक सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। 61,250 का यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 61,600 का। और शाम में यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है, अगर वो डेटा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन से वीक होके आता है तब यहाँ पे गोल्ड में डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2000 का डॉलर का आंकड़ा यहाँ पे टूट सकता है, 1970-1980 डॉलर का एक सपोर्ट देख सकती है कमोडिटी। घरेलू बाजार में भी एक बार 60,500-60,200 तक के लेवल्स देख सकती है। तो कोई भी बाउंस से मुझे लग रहा है कि सेलिंग स्ट्रेटजीज को यहाँ पे अडॉप्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये सिर्फ छोटी अवधि के कारोबारियों के लिए रिकमेंडेशन है। जैसे आपने हमारे बाकी दो विशेषज्ञों को भी सुना, अभी करेक्शन यहाँ बाकी है तो निवेशक इंतजार करेंगे, लेकिन जो कारोबारी हैं, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, छोटी अवधि में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बाउंस पे यानी कि कोई भी राइज पे, बढ़त पे बिकवाली का मौका है। आपको शॉर्ट की रणनीति अपनानी चाहिए। अच्छा वंदना जी, सिल्वर पर भी राय दीजिए, क्योंकि इस साल सिल्वर के लिए भी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, $28 और $30 की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन सिल्वर भी एक दायरे में फंस कर रह गया है, तो आज के लिए क्या सलाह होगी? नेहा, मुझे लग रहा है कि जो मेजर एक्शन है चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, वो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में आएगा। ये क्वार्टर मुझे डल लग रहा है और हर साल देखा जाता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर होता है थोड़ा सा डल हो जाता है, इंडेक्स रिबैलेंसिंग होती है और इस बार एडिशनल ट्रिगर है यहाँ की मेजर इकोनॉमीज में, यहाँ पे इलेक्शंस हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा डाउनसाइड आएगा, और साथ में काफी सालों बाद हम लोगों ने देखा है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पे राइज हुआ है और सप्लाई साइड डेफिसिट हुआ है करीब 12 साल बाद सिल्वर में देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से मैं भी यहाँ पे जो हायर, एक रिकॉर्ड हाई लगना चाहिए MCX पे, उस पर मैं कंटिन्यू रहना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बार 78,000 से 82,000 तक के जो लेवल्स है वो सिल्वर में यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये जो फेज है, ये जो क्वार्टर है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डल हो सकता है। यहाँ पे सोने की तरह इसमें भी करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। एक बार 69,500 से लेके 70,000 ये एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा सिल्वर के लिए। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फॉल आना चाहिए। 71,350 एक लेवल रहेगा जहाँ सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 71,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 71,450 का। तो यहाँ पे इंट्राडे में भी यहाँ पे सेलिंग है, शॉर्ट टर्म में सेलिंग लग रहा है कि एक बार 70,000 को तोड़ना चाहिए चांदी को, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पूरे 24 का ध्यान लगा के बैठे हैं उनके लिए ये साल सिल्वर के लिए अच्छा होगा और नीचे के स्तर से खरीदारी आएगी करीब करीब 68,000 से। तो अपसाइड टारगेट पहला 78,000 बनेगा, दूसरा यहाँ पे 82,000 का बनना चाहिए। ओके वंदना, सप्लाई के कंसर्न्स एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ डिमांड को लेकर भी चिंताएं बनी हुई है, प्लस इंटरेस्ट रेट हाइक कितनी जल्दी होंगे, हो भी पाएंगे कि नहीं, इस पर ईसीबी हो या फेड हो वो ऑलरेडी एक प्रश्न चिन्ह लगा चुका है। चाइना के डेटा कोई बहुत एनकरेजिंग है नहीं। वंदना जरा बताइए, डाउनसाइड रिस्क और कितना बचता है कच्चे तेल में, और आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होगी? जी नहीं, पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी बहुत ज्यादा थे क्योंकि देखिए तो शिपमेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे वॉर ऑलरेडी ऑन है, कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, यहाँ पे पीक डिमांड सीजन है यानी कि विंटर डिमांड है यहाँ पे, और काफी चीजें यहाँ पे हो रही है। डॉलर इंडेक्स में भी रिसेंटली एक करेक्शन आया था, अभी एक पुलबैक आया है। इतनी पॉजिटिव ट्रिगर्स के बावजूद यहाँ पे क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ रही है। अंडरलाइंग टोन जो है डिमांड का वो अभी थोड़ा सा डल है। जब तक चाइना से कोई मेजर बूस्टअप नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट आएगी। ओपी की भी एक कैपेसिटी है यहाँ पे प्रोडक्शन कट करने की, और जितने कट की अनाउंसमेंट होती है एक्चुअल लेवल पे इतना इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एक प्रॉब्लम है ओपेक के डिसीजन में। तो मेरे ख्याल से ओकेजनल यहाँ पे राइज हम आता हुआ बिल्कुल देख सकते हैं क्रूड में। इंट्राडे में भी मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे
6070 के करीब यहाँ पे हम बाइंग करें तो 6200 का टारगेट आ सकता है यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6000 का। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है वो मिसिंग है यहाँ पे, डिमांड साइड थोड़ा सा यहाँ पे डल है। जी जब तक वो नहीं आता है तब तक एक सेल एट हाई की जो स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म में वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। ओके इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग जो है वो रहेगा। निचले स्तर पे मुझे लग रहा है कि ठीक है 5800 का लेवल अगर टूटा एमसीएक्स ठीक है में तो नेक्स्ट वीकेंसी 5600। ठीक है। चलिए वंदना जी और धर्मेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पूरे नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में कहाँ कहाँ क्या रणनीति अपनानी है। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिए कजी बिजनेस के साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।